हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, मैरीगोल्ड बुक, ग्रेड 5 सीबीएसई बोर्ड से। बच्चों, आपने कभी भी रेत में गए हो जहाँ गीली रेत होती है, समुद्री किनारे पे आपको बहुत ज्यादा ऐसी मिल जाएगी देखने को, या आपके घर में कभी पोछा लगता है तो फर्श गीला होता है, ऐसे में अगर कोई एकदम से उसके ऊपर से निकल जाए तो क्या होता है, पैर के निशान बन जाते हैं, पैर का एक निशान छप जाता है। तो आप चाहो या ना चाहो, अगर आप कहीं किसी भी जरा सा गीला सरफेस होगा, खास तौर से मिट्टी हो या जहां आपका फ्लोर हो, वहां पे पैर के निशान जरूर बनते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है, इसमें क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो थे, उनका जो शिप था यानी उनका जो जहाज था, वो समुद्री तूफान की वजह से खराब हो गया, टूट गया, बिखर गया, जिसकी वजह से वो एक टापू पे बहुत लंबे समय तक, कहना चाहिए सालों से, अकेले रह रहे थे और हमेशा उम्मीद करते थे कि कोई ऐसा मिल जाए जो उनकी एक तरह से कंपनी दे सके, उनको साथ दे सके, पर वहां पर कोई नहीं था, वो पूरे टापू पे अकेले रहते थे। एक दिन की बात है, उनको अचानक से रेत में एक पैर का निशान दिखा। अब वो पैर का निशान कैसे आया, कौन आया, क्यों था, इस बात को जानने के लिए हम अपनी स्टोरी को पढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है, ये रॉबिन्सन क्रूसो यानी जो कैरेक्टर हैं, वो खुद सुना रहे हैं। तो वो कहते हैं, एक दिन की बात है, मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, तभी मैंने रेत पे एक इंसान के पैर का निशान देखा। मैं जो हूँ चकरा गया, चौंक गया कि ये कहां से आ गया। मैं वहीं पे जैसे इतना अचंभित खड़ा रह गया। अब मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश करी, इधर उधर देखा भी, तो ना तो मुझे सुनाई दे रहा था, ना मुझे कोई ऐसा दिख रहा था कि जिसके पैरों के निशान हो यहाँ पे। मैं थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के देखने लगा कि शायद मुझे ऊपर से देखूं तो नीचे कोई दिख जाए। फिर मैं किनारे पर आकर देखा, फिर मैंने किनारे से थोड़ा अंदर की तरफ जाके देखा कि शायद मुझे उधर से कोई दिखाई दे जाए, पर बेकार रहा, कोई भी नहीं था वहां पे। मुझे उस फुटप्रिंट के अलावा और कहीं कोई नहीं दिख रहा था। मैं फिर गया वहीं पे उस फुटप्रिंट के पास, ये देखने के लिए कि शायद इधर उधर अगर देखूं तो मुझे ऐसे ही निशान और भी मिल जाएं, या ये सोचने के लिए कि कहीं ये मेरा खुद का दिमागी उपज तो नहीं है कि अरे ऐसे ही निशान मुझे सब दिख रहा है, मैं सोच रहा हूं कोई है ये है, पर ऐसा कुछ ना हो। लेकिन मैं गलत नहीं था, क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली एक पैर का निशान था। क्योंकि हम इंसानों के जैसे पैर होते हैं, उसमें क्या होता है, अंगूठे होते हैं, उंगलियां होती हैं, एक एड़ी होती है, पूरी विजिबिलिटी आती है, पूरा दिखाई देता है कि हाँ ये इसी के पैर का निशान है। तो बस मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जो पैर का निशान है वो वहां पर आया कैसे। अब मैं बहुत देर तक वहां खड़ा सोचता रहा, और जितना मैं ज्यादा सोच रहा था उतना ही मैं और ज्यादा चकरा रहा था, कंफ्यूज हो रहा था कि भाई ये पैर का निशान आया तो आया कहाँ से। फाइनली जो है मैं घर लौट आया, लेकिन जब मैं इस बार घर लौटा तो मैं काफी डरा हुआ था। हर बार मैं पीछे मुड़ के देख रहा, दो तीन कदम चलने के बाद, कि कहीं कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा है। अब मेरे को हर झाड़ी, जैसे होता है ना जब आप डरे हुए होते हो तो क्या होता है, किसी भी आपको झाड़ी या पेड़ की आहट भी जो है ऐसा लगता है जैसे मानो कोई आदमी खड़ा है। घबराहट में हमें हमेशा ऐसे ही तो फील होता है, आपको हल्की सी भी कुछ खट होती है तो आपको लगता है कोई है। तो वही चीज जो है इनके साथ हो रही थी। जब ये लौट के अपने घर की तरफ जा रहे थे तो हर दो तीन कदम के बाद इसको ऐसा लगता था जैसे मेरे मानो कोई पीछे तो नहीं आ रहा है, बार बार मुड़ के देख रहे थे। फाइनली ये जो अपनी गुफा में पहुंचे, जिसको ये अपना कासल कहते थे, कासल यानी कि मेरा महल है, इसमें मैं रहता हूँ, ये तेजी से भाग कर अंदर चले गए जैसे मानो इनका कोई पीछा कर रहा। अब जिस तरह से ये डरे हुए थे, दौड़ रहे थे, तो इनको ये तक नहीं याद आ रहा कि इन्होंने सीढ़ी का इस्तेमाल किया या जो छेद था उसमें से होकर ये जो है उस जो रॉक थी यानी जो गुफा थी उसका पत्थर जो है उसमें कोई होल होगा जिसको ये दरवाजा कहते थे, उसके थ्रू अंदर गए, सीढ़ी का सहारा लिया, इनको कुछ नहीं आ। बस इनको ये पता था कि मुझे डर इतनी तेज लग रहा था कि मैं सीधे भाग के जितनी तेजी से मैं भाग सकता था, जैसे जो कोई जानवर होता है ना, अगर उसके पीछे कोई दूसरा जानवर पड़ जाए तो वो जोर से भागता है ताकि अपनी जान बचा सके, ये बिल्कुल वैसे ही भाग रहे थे कि मैं किसी तरीके से अपनी गुफा के अंदर पहुंच जाऊं। क्योंकि ये इतने ज्यादा डरे सहमे थे, इनको रात भर नींद ही नहीं आई। जितना ज्यादा ये सोचते जाए उतना ज्यादा ये और घबरा रहे, और ज्यादा डर लग रहा। इनको ये लग रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो क्या कहते हैं छोटी सी बोट है उसमें क्या कुछ वैसे लोग होते हैं
जो आदिवासी लोग होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन फैली हुई है खाली, अब उसमें पता नहीं कौन कहाँ रहता होगा, तो कहीं वो आदिवासी लोग जो हैं वो तो नहीं आ गए एक छोटी सी बोट में इस आइलैंड पे। अच्छी बात ये है कि मैं इस वक्त समुद्र के किनारे नहीं हूँ, पर अगर उन लोगों ने कहीं मेरी बोट देख ली तो, और अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली तो उनको ये बात का भी एहसास हो जाएगा कि पक्का इस टापू पे कोई रहता है, और वो हो सकता है और लोगों के साथ यहीं पे आ जाए और मेरे को मार दें और खा लें। कितनी सारी बातें होती हैं जो माइंड में चलने लगती हैं अगर आपको डर लग रहा होता है। जैसे हमारा जो दिमाग है वो कभी अच्छा नहीं सोचता, अगर घबराहट हो रही होगी तो हमेशा वो जितना बुरा से बुरा सोच सकता है उसको घबराहट में वो चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। अब इसी वजह से वो बताते हैं कि मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं कई दिनों तक ऐसे ही डरा सहमा घूमता रहा और बस प्रार्थना करता रहा कि मैं किसी तरह से बचा रहूं, मुझे कोई मार मुड़ ना दे। पर हुआ क्या कि इतने दिन तक जो वो अपने कमरे में रहे या अपनी जो गुफा में रहे, उससे थोड़ा सा जैसे होता है ना, आदमी फिर एटीज हो जाता है कि चलो भाई इतने दिन से कुछ नहीं हुआ, तो उनको थोड़ा सा आराम जब आया तो वो फिर बाहर निकले जांच पड़ताल के लिए। पर अब क्या हुआ, जब वो बाहर निकलते थे आगे बढ़ते थे तो वो हमेशा पीछे देखते थे कि मेरे पीछे कोई है तो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में घबराहट तो थी, घबराहट हटी तो थी नहीं, मन में घबराहट अभी थी, लेकिन बस इतना हो गया था कि इतने दिन से वो अंदर थे तो उन्हें लगा कि चलो कुछ नहीं हुआ है, एक बार और जाके मैं बाहर निकल के जांच पड़ताल करता हूँ। अब जब 2-3 दिन तक लगातार उन्होंने ऐसा किया कि वो जो है मैं बार बार बाहर जा रहा था, देख रहा था, खाली प्रिंट के पास जाता था और कुछ नहीं दिखाई देता था, तो एक होता है ना कि इंसान में फिर हिम्मत आने लगती है, अब उनका थोड़ा सा डर कम होने लग गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार मैं क्यों ना किनारे की तरफ जाऊं और फिर से उस जो फुटप्रिंट है उसको एक बार चेक करूं। तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं क्या करूंगा, ये जो फुटप्रिंट मुझे दिखा था क्यों ना मैं अपना जो पैर का साइज है उसके साथ वो जो फुटप्रिंट मिला है उसको नाप के देखता। अब जैसे ही मैं जो हूँ उस फुटप्रिंट के पास गया, मैंने देखा क्यों वो जो है मेरा फुटप्रिंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात क्या थी कि ये जो बीच का हिस्सा था यहाँ पर वो बहुत समय तक नहीं आई थी, तो उनका पैर का निशान कैसे बन सकता है। सेकेंडली, जैसे ही उन्होंने अपना जो पैर था वो उस फुटप्रिंट के निशान के बिल्कुल बाजू में रखा तो उन्हें दिखा, अरे ये तो मेरे वाले पैर के निशान से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब तो उनकी जो घबराहट सही हो गई थी वो फिर लौट आई, वो फिर दौड़ के एकदम से घर गए और उनको इस बात का एहसास हो गया कि हाँ पक्का यहाँ पर कोई है। तो जो अभी तक इतने सालों से वो ये सोच के रह रहे थे कि वो टापू पर अकेले हैं, कोई और नहीं रहता, उनको समझ में आ गया था कि ये टापू जो है खाली नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई जरूर रहता है, और ऐसा जो शायद उनसे आकार में बड़ा है इंसान ही पर शायद उनसे बड़ा है, क्योंकि उनके पैर का साइज और इनके पैर का साइज मैच नहीं कर रहा था। तो ये जो हमारी स्टोरी थी ये रॉबिन्सन क्रूसो जो है उनके द्वारा खुद बताई हुई स्टोरी है। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो माय चैनल असा एजुकेशन। बाय।